जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक नए और फ्रेश वीडियोस में। एंड गजास के इस नए वीडियोस में हम बात करने वाले हैं पंजाब किंग्स स्क्वाड वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के फंटेसी टीम प्रेडिक्शन के बारे में। एंड गाइस, यहां पे फिलहाल जो कि टाटा IPL का यानी कि 52 यानी कि 52वां मैच होगा। तो और यहां पे मैं आपको एक चीज़ ये भी क्लियर कर दूं कि आप अगर बहुत सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर टेलीग्रामर का चैनल ज्वाइन कर लिए हैं या तो उनके टीम से खेलने आपका सिर्फ और सिर्फ लॉस हुआ है, अगर आप एक बार मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करते हैं तो फिलहाल आपका कंफर्म है कि विन होना ही होना है। ठीक है, ग्रैंड लीग के लिए आपको वीडियोस देखनी पड़ती है और जो टॉस के बाद के प्रेडिक्शन मैं टेलीग्राम पर शेयर करता हूँ, पॉइंट्स कुछ बताता हूँ, वॉइस मैसेज भेजता हूँ, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि कल के मैच में भी हमने अल्ट्रा क्लीन शिप की, ठीक है, और मैं आपको दिखाने वाला भी हूँ यहाँ पे, और जो कि मैं क्लियर भी कर देता हूँ कि हेड टू हेड स्मॉल लीग आप जा सकते हैं। हेड टू हेड में तो आपको कोई हरा भी नहीं सकता, आप चाहे जितने का खेलें, ठीक है, कोई नहीं हरा सकता है मेरी टीम से आपको हेड टू हेड। तो चलिए फिलहाल हम यहाँ पे बात कर लेते हैं टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फाइनली आपको सबसे पहले टेलीग्राम एप्लीकेशन ओपन करना है एंड यहाँ पे सर्च बॉक्स में आपको सर्च कर लेना है मेरा नाम। स्पेलिंग मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करनी। यहाँ पे चैनल आ जाएगा, यहाँ पे आपको सब्सक्राइब का या ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा, ज्वाइन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप अगर सेकेंड इनिंग भी खेलना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा पैसा विन कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग रियल इनिंग को डाउनलोड करके, ठीक है, और टीम में आपको यहाँ पे सेकेंड इनिंग की भी भेज देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए कल गाइस, यहाँ पे फिलहाल मेरे एक फॉलोअर्स ने यहाँ पे भेजा हुआ है, ठीक है, फ्रेंड टाइप है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये बंदे को मेरी टीम से इन्होंने खेला था, देख सकते हैं यहाँ पे 516 सेकेंड और यहाँ पे मेरी टीम से खेला कितना है 629 पॉइंट। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हेड टू हेड था। यहाँ पे प्राइस मैटर नहीं करता आपके ऊपर, ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितने का बजट है, आप कितने का हेड टू हेड खेल सकते हैं या स्मॉल लीग खेल सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे मार्जिन आप देख लीजिए, ठीक है, पॉइंट्स का, और यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे मैच एंड हो गया, मतलब समझ लीजिए। तो फिलहाल हेड टू हेड अगर आप मेरी टीम से खेलते हैं तो कोई आपको हरा नहीं सकता, और रियल इन पे खेलते हैं तो भाई आप अच्छा खासा विन कर ही लेते हैं, ये आपको खुद पता होगा, ये आपके बजट के ऊपर मैटर करता है कि आप कितने वाला कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे स्टेडियम वन खेल स्टेडियम में ये मैच होने वाला है और 7 मई 3:30 बजे मैच स्टार्ट होगा। और जो कि फिलहाल पिच रिपोर्ट की अगर बात करें, द पिच विल हेल्प राइट आर्म फास्ट बॉलर्स, बैट्समैन विल आल्सो डू वेल विनिंग द टॉस एंड बॉलिंग ए विल बी गुड डिसीजन, राइट हैंडेड बैट्समैन कैन डू वेल बॉलिंग फर्स्ट इज ऑलवेज ए बेटर ऑप्शन। यानी कि जो राइट आर्म फास्ट बॉलर्स होंगे इंपॉर्टेंट रहेंगे, राइट हैंडेड बैट्समैन भी बढ़िया करेंगे। एंड अगर बात करें यहाँ पे पिच ग्राउंड की, तो फिलहाल ग्राउंड छोटा रहेगा, ठीक है, वन खेल स्टेडियम, बट आपको मैं बता दूं यहाँ पे हमने कई सारे ऐसे मैचेस नोटिस किए हैं, खेले हैं, कवर करे हैं, जो कि फिलहाल हाई स्कोरिंग रन भी नहीं बना, ठीक है, 170 180 के नीचे 160 तक, और विकेट भी भाई धड़ाधड़ गिरी हुई है, ठीक है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अब बाकी जैक पॉट मैच है आज का, क्योंकि फिलहाल यहाँ पे राजस्थान रॉयल है, जॉयस बटलर है, तो क्या मारेगा या नहीं मारेगा, तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पिच रिपोर्ट और ग्राउंड रिपोर्ट हम देखेंगे। पंजाब स्क्वाड की अगर प्लेइंग के बारे में बात करें या कुछ चेंजमेंट की बात करें, तो अगर होता भी है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं आपको शेयर कर दूंगा, बता दूंगा, ठीक है। मयंक अग्रवाल लगा रहा है यहाँ देख रहे हैं, तो 1 और 18 इसी ग्राउंड पर, मतलब कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं। शिखर धवन 16 और 88, मतलब बढ़िया है। भानुकर अक्षपक्ष 31 और 42, ये इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, जैकपॉट मैच रहे और जैकपॉट प्लेयर का भानुकर अक्षपक्ष इस ग्राउंड पर रहेगा, ठीक है, इस मैच में भी रहेगा, आप नोटिस कर लीजिए। जॉनी बेस्टू 9 रन यहाँ पे, और फिलहाल मतलब कुछ खास नहीं जॉनी बेस्टू का, ओपन कर रहा था रिसेंटली, ओपन कर रहा था बट कुछ खास नहीं, ठीक है। लियम लिंगस्टोन की बात करें 19 रन और यहाँ पे 19 रन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, इस ग्राउंड की बात कर रहे हैं। और फिलहाल जितेश शर्मा तो मतलब बढ़िया ही है बट बैटिंग ऑर्डर बहुत डाउन है, मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब बैट्समैन बढ़िया, बैटिंग ऑर्डर बहुत डाउन है। संदीप शर्मा यहाँ पे 1 विकेट निकाली, अर्शदीप सिंह 0 और 1 विकेट, कगेश्वर अवाड़ा 12 रन + 1 विकेट 2 विकेट, यानी कगेश्वर अवाड़ा इंपॉर्टेंट है इस ग्राउंड पर, इस पिच में। राहुल चेयर 2 विकेट 0 विकेट, मतलब आप समझ सकते हैं कि विकेट मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती, कंफर्म नहीं है इस ग्राउंड पे, मतलब फिर भी 2 विकेट निकालो तो 1 विकेट तो कंफर्म हो सकती है यहाँ पे। ऋषि धवन भाई 2 विकेट निकाले, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा और यहाँ पे विकेट निकालने के चांसेस बन जाते हैं ऋषि धवन के। और फिलहाल ओवर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने स्पेल के, फिलहाल 4 ओवर तो कराता है ये बंदा, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, क्योंकि बॉलर ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 4 ओवर ये कराने वाला, अगर लियाम लिंगस्टोन 1-2 ओवर करा देगा तो फिलहाल ऋषि धवन या संदीप शर्मा के ओवरकट हो सकते हैं 1-2, बाकी 4 ओवर तो करा सकता है ऋषि धवन, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर 3 कन्फर्म समझ लीजिए, बट जितने भी कराएगा विकेट लेकर के जाएगा, 1 विकेट तो कन्फर्म है, ठीक है। एंड उसके बाद राजस्थान रॉयल्स की अगर बात करें, तो फिलहाल इस ग्राउंड पे जॉयस बटलर का अगर आप परफॉर्म देख रहे हैं 70 22 116, मतलब OP, ठीक है, मतलब बहुत बढ़िया परफॉर्म। जो देवदत्त पाटिकल 37 54, मतलब आप देख रहे हैं, और 2 संजू सैमसन आप देख रहे हैं 8 46 54 इसी ग्राउंड पे, सिमरन एटमेयर 42 1 27, रियान पराग 12 और फिलहाल 19, मतलब रियान पराग का भी बढ़िया ही है।
ट्रेंट बोल्ट की अगर बात करें तो एक विकेट और कुलदीप सेन का भी एक विकेट, रविचंद्र अश्विन 0 विकेट है इस ग्राउंड पे, अनिल 2 विकेट 0 विकेट, मतलब रविचंद्र अश्विन 3 मैचेस में यहाँ पे इस ग्राउंड पे 2 विकेट ओनली, ठीक है। और यजुवेंद्र चहल की अगर बात करें तो फिलहाल यहाँ पे 2 और 3, मतलब 3 मैचेस में 3 विकेट, यहाँ पे 2 विकेट, यहाँ पे 1 विकेट और यहाँ पे 0 विकेट। प्रसिद्ध कृष्णा 0 और 3 विकेट 1 विकेट, मतलब प्रसिद्ध कृष्णा इंपॉर्टेंट सही है, 3 मैचेस में 4 विकेट है, मतलब यहाँ पे कंफर्म मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जिस प्रकार से यहाँ पे मतलब बहुत सारे आपको प्रेडिक्शन देने वाले हैं जो कि बताएंगे पिच ग्राउंड रिपोर्ट, फिलहाल की छोटा ग्राउंड है तो मतलब रन ज़्यादा बन सकते हैं, तो यहाँ पे वैसा हो सकता है, बट विकेट के चांसेस मैं आपको बता दूंगा। तो फिलहाल यहाँ पे दोनों को हेल्प मिल सकती है, बॉलिंग और बैटिंग दोनों को, मतलब कुछ ये नहीं हो सकता कि बॉलर से अच्छा कर जाएंगे या विकेट या मतलब बैट्समैन रन अच्छा मार जाएंगे, ग्राउंड छोटा तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है। 160 तक मैंने यहाँ पे देखा है मैच, ठीक है, और सेकेंड इनिंग और मैच भी विन नहीं हुई टीम से चेस करते हुए, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। और बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे अपनी टीम क्रिएट करने की, तो फिलहाल कॉम्बिनेशन बनाने की, तो हमारी टीम में इस ग्राउंड पे शिखर धवन, राजपक्षा, ठीक है, एंड उसके बाद आप रख सकते हैं यहाँ पे फिलहाल का गेसो रबाड़ा अच्छा कर रहा है, ठीक है, और राहुल चहर रख सकते हैं। ये मेरा फिलहाल अभी 4 हमारे टीम के प्लेयर हो जाएंगे, आप देख लीजिए, ठीक है, मतलब शिखर धवन, भरमसा राजपक्षा और उसके बाद कगेश्वर रबाड़ा, राहुल चहर। अभी फिलहाल लेमन स्टोन या बैंक को लेना है नहीं लेना मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, 4 कंफर्म कर लीजिए आप। एंड उसके बाद जॉस बटलर मतलब बढ़िया कर रहा है भाई, जॉस बटलर तो रहेगा हमारी टीम में। देवदत्त पेडिकल भी बढ़िया कर रहा है, देवदत्त पेडिकल भी हमारी टीम में मौजूद रहेगा। संजू सैमसन के बाद यहाँ पर रिसेंटली देख सकते हैं, संजू सैमसन भी मौजूद रहेगा, ठीक है, 4-3-7 प्लेयर हो जाएंगे हमारे। और उसके बाद यहाँ पर हमारी टीम में कुलदीप सेन, ओके गाइस, एंड उसके बाद फिर यहाँ पे चहल मतलब ले रहा नहीं तो प्रसिद्ध कृष्णा कन्फर्म रहेगा, 9 प्लेयर हो जाएंगे। आप यहाँ पे आप चहल या रविचंद्र अश्विन दो में किसी एक को रख लीजिए, बट भाई सामने पंजाब है और पंजाब को आपको पता होगा कि मतलब विकेट जो है बहुत कम गिरती है, वो भी टाइम स्पेंड करके खेलने वाला प्लेयर, जैसे कि शिखर धवन अगर खेल गया तो पूरा मैच ही खेल जाता है, ठीक है। राजपक्षा भी मतलब एक हिसाब से हिटर बैट्समैन है बट टाइम स्पेंड कर देता है कभी कभी, जैसे आपने रिसेंटली मैच भी देखा, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पे चाहे चाहल को रख लीजिए, चाहे रविचंद्र अश्विन को रख लीजिए, यहाँ पे एक प्लेयर, ठीक है, क्योंकि हमने 5 इस टीम से प्लेयर को सिलेक्शन कर लिए, 4 उसमें से, 5 और 9, और चहल या रविचंद्र अश्विन या ट्रेंट बोल्ट, इनमें से आप किसी एक के साथ जा सकते हैं। और लियाम लिंगस्टोन फिलहाल बैटिंग मिल सकती है 4th नंबर पर मेरे हिसाब से, ठीक है, बट यहाँ पे वो भी कन्फर्म नहीं है 4th नंबर, क्योंकि भाई जॉनी बेस्टो शिखर धवन के साथ ओपन कर रहा है, चौथे पर कन्फर्म हो जाएगी, ठीक है, चौथे पर है। लियाम लिंगस्टोन को आप बना दीजिए, चाहे तो वाइस कैप्टन बना सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ना बनाए, बना सकते हैं अगर खेलने तो ग्रांड लीग के लिए ट्राई कर सकते हैं। हेड टू हेड के लिए मैं आपको बताऊँ, जॉयस बटलर, शिखर धवन, ये तो काफ़ी आज के मैच के पॉपुलर प्लेयर होंगे कैप्टन वाइस कैप्टन के, ठीक है, शिखर धवन और जॉयस बटलर। बाकी जॉयस बटलर भी बनाने लायक प्लेयर रहेगा क्योंकि ग्राउंड छोटा भी है और फिलहाल आप यहाँ पे परफॉर्म भी देख रहे हैं, 70, 116, 22, भले ही रन ना मारे बट बनाना तो भाई पड़ेगा, क्योंकि अगर मार देता है तो अच्छा कर जाएगा, बट यहाँ पे मारेगा भाई, मतलब 50+ तो मारेगा ही इस ग्राउंड पर जॉस बटलर। देवदत्त पेडिकल भी बढ़िया है, आप चाहे तो पंजाब पहले बैटिंग अगर करती है तो आप देवदत्त पेडिकल, जॉस बटलर कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ, जैसे जॉस बटलर कैप्टन वाइस कैप्टन, देवदत्त पेडिकल, पंजाब पहले बैटिंग कर लेती है, मतलब यहाँ पे रन का मैं बता दूँ फिलहाल रन जो कि है यहाँ पे 170 तक बनेगा, 170-180, ठीक है, 200 नहीं होगी क्योंकि भले ही छोटा ग्राउंड है तो क्या हुआ, मतलब कैप्टन वाइस कैप्टन इनके साथ भी जा सकते हैं, तो जॉस बटलर कैप्टन, संजू सैमसन वाइस कैप्टन कर सकते हैं। और शिखर धवन का फिलहाल मुझे डाउटफुल इस ग्राउंड पे लग रहा है, ठीक है, मतलब बढ़िया परफॉर्म है फिर भी डाउटफुल ही है, 88 रन है इस ग्राउंड पे तो क्या हुआ, बट यहाँ पे मुझे डाउट लग रहा है इस ग्राउंड पे, ठीक है, शिखर धवन का। बाकी देखते हैं, अभी परफॉर्म तो बढ़िया है शिखर धवन का हर मैच में, अगर पंजाब पहले बैटिंग करें तो आप शिखर धवन को बना सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन, और वाइस कैप्टन जो कि कैप्टन वाइस कैप्टन, अगर कैप्टन आपने बना लिया तो वाइस कैप्टन यहाँ पे आप फिलहाल जो कि इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, संजू सैमसन या तो डेविड पेडिकल, क्योंकि यहाँ पे बटलर और शिखर धवन आप ना बनाएं क्योंकि सभी लोग ये कॉम्बिनेशन के साथ जाने वाले, इसलिए मैं आपको नहीं कह रहा। जॉयस बटलर पहले पंजाब बैटिंग कर, जॉयस बटलर दो पेडिकल कैप्टन वाइस कैप्टन होंगे हमारे, ठीक है, और अगर राजस्थान पहले बैटिंग शिखर धवन, भरमसा राजपक्षा, ये कैप्टन वाइस कैप्टन होंगे, ये आपको नोटिस कर लीजिए। बाकी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं आपको अपडेट दे दूंगा, और पंजाब और राजस्थान का भी कोई मैच इस सीजन नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए मित्र, जय जय भारत।